डोली भाई कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। हमको चाय कब पिला रहे हो? चाय कब पिला रहे हो? आप जब बोले तब पिलाऊंगा। बिग बॉस की चाय टेस्टी की है अभी तक नहीं, क्योंकि आज ही आया हूं मैं। भाई गाड़ी बंद कर भाई, देखो थोड़ा पीछे चलो ना भाई लोग। डोली भाई इधर देखिए, डोली भाई हमको चाय कब पिला रहे हो? अरे क्या कहना, मीडिया वाले के साथ भी सेशन हो जाए, चाय वाला बिल्कुल हो जाए, जैसे बिल गेट्स के साथ हुआ था। अब क्या करें, नसीब था मिल गए मौका। इधर देख बोलो सर, यहाँ पे देखिए, आप बोलिए, आप भी सर इधर आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए। डोली जी का आजकल इधर देखना पड़ता है, इधर देखना, आप यहाँ देख सामने देखिए। और वो एक नसीब था मेरा वाला, जो मेरे को मौका मिला चाय पिलाने का। क्या बात, तभी से मेरा गुड लक चालू हो गया था हैदराबाद से। तो इस बार सलमान को चाय पिलाने के लिए आए हैं? नहीं, आप जैसे समझ जाइए, क्योंकि आया तो मैं बिग बॉस में, मैं चाहता हूँ कि सर को भी चाय पिलाई दो, ऐसा है। मुलाकात हुई सर से? अभी तक नहीं हुई, उनके भाई से मुलाकात एक बार हो चुकी है, वो काफी वायरल आपने देखा हो। तो पहली मीट में क्या बोलेंगे आप सलमान को? मैं कहूँगा सर, मैंने कभी चाहा नहीं था, मौका नहीं मिला था, हालांकि मैं आपके बिग बॉस में आऊँगा करके, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस में आके, और बस वो एक चेहरे पे अलग ही खुशी आती है बोलते। पिछली बार मैं मालदीव में गया था, उनके छोटे भैया से मिला था, और इस बार तो मैं डायरेक्ट सलमान खान से मिल रहा हूँ। और मैं खास करके एक बात और बता दूँ आपको, कि उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट आता है, 27 दिसंबर। बिग बॉस देख रहे हो आप? हाँ जी। हाँ, कौन अच्छा लग रहा है, कौन सही खेल रहा है? अभी तक तो डिसाइड नहीं किया हूँ, ऐसा किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, इसलिए तो अभी तक नहीं डिसाइड। लेकिन किससे बात करने वाले हैं अंदर जाकर? देखते हैं, अगर आपको मौका मिलता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट से बात करने का, उन्हें कुछ बताने का, तो आप उन्हें क्या बताओगे, क्या एडवाइस दोगे कि आप किस तरीके से दिख रहे हो? मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि लड़ाई मत करो, क्योंकि वहाँ तो सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं, तो मैं बोलूंगा जितना शांत रहोगे उतना ही अच्छा रहता है। डोली सर आप क्यों नहीं आए बिग बॉस में? देखिए मैं दोनों पहले ही बता के रखा कि मैं अपनी मम्मी को और अपने शौक को छोड़ के जाता नहीं, कैसे मैं दुबई भी जाता हूँ ना 15 दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो मेरे को घर की याद बहुत आती है, ऐसा था, इसलिए मैंने जाने की बोल दिया था सर, मेरे को वापस नहीं जाना। यानी कि आप फ्यूचर में भी अभी नहीं जाओगे? जाएंगे, अभी थोड़ा समय है, अभी तो स्टार्टिंग किया है हमने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस। वेट वेट वेट, नाइक चश्मा आपका देखो, इधर सही इधर थोड़ा एक बार लुक हो जाए। डोली सर चश्मा मस्त है। हां भाई ये नहीं बोलूंगा आप, है ना, डोली के वीडियो कैसे वायरल होंगे? क्या बात है, क्या बात है, और बाल दिखा दो, बाल दिखा। अरे डोली, अच्छा भाई कैरी मिनाटी और पूरब ने भी आपका एक जो क्रिकेट वाला वीडियो था उसको रेप्लिकेट किया है, तो डोली भाई यहां देखिए, वो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, और मेरे वजह से किसी का फायदा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, आपका इंस्टाग्राम पे मीम भी बहुत ज्यादा बनता है, उसको कैसा देखते हो आप? देखिए है ना, हमारे भाई सराउल ने सारा का सारा हैंडल ये करते हैं। अच्छा जी हां, मेरे को जहां जहां जाने के लिए बोलते तो ये फिक्स कर देते हैं, मैं निकल पड़ता हूं। लेकिन कभी कभी ना ऐसा ट्रोल भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं और ट्रोल भी करते हैं, ट्रोलिंग को आप कैसे देखते हो? मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूं ना, ये सब पब्लिक के छाते हैं, बस अपने को चल रहा है चलने देते हैं। एक बार आपके टपरी पे कोई चाय वो फोटो निकालने आया था आपका फ्रेंड, आपने मना कर दिया था, ऐसा क्यों? हां सडनली एकदम से मना कोई नहीं करता है। हां अब कैसे, जैसे मैं काम कर रहा हूं, जैसे अभी मेरे सामने है ना गेस्ट, यानी हां कस्टमर, कस्टमर है खड़े हैं, अब उनको मैं चाय दूं कि इनको फोटो दूं? क्योंकि मैं चाय पिलाऊंगा तो मेरा घर चलेगा। क्या बोलते हैं, किस वजह से आप यहाँ हैं, जिस तरीके से आपका तरीका है चाय बनाने का? वैसे तो मैं हर काम एंड टंग से, जी हाँ मैंने हर काम किया हूँ चाय बेचने का, पर मैं कैसे अपने स्टाइल में काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टाइल में रहना काम करना बहुत अच्छा लगता है, उसमें कैसे थोड़ा समय भी मिल जाता है, पता नहीं चलता। कभी हाइजीन को लेकर ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आप ऐसे चाय बनाते हैं जीप को लगाकर टंग को? असल में वो मैं लगाता नहीं, क्योंकि मैं तो इतना ये नहीं हूँ कि किसी भाई लोगों को अपनी झुकी चाय पिलाऊंगा, उनके पैकेट को लगाऊंगा, ऐसा है, अपने को पता चलता है कि इसके अंदर इतना क्या रखना पड़ता है, बस मैं अपने थोड़ा सा स्टाइल की वजह से काम कर लेता हूँ। लेकिन आप जिस तरह वायरल हुए बनाते, वैसे सूरत में, गुजरात, दिल्ली बहुत लोग ट्राई कर रहे वायरल होने, उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए ये बहुत अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता हूँ कि भाई है ना आप दिन भर है ना, एक दिन में नहीं आप रातों रात वायरल हो जाओ। बिल्कुल, अगर आप मेरे को कॉपी करके वायरल हो रहे तो और अच्छी बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। संदेश कुछ पूछ रहे हैं? संदेश संदेश भाई संदेश कुछ पूछ रहे हैं?